अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ईबीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने जा रही हूँ। ये पूरे का पूरा कोर्स होगा। इस वीडियो के बाद आप लोगों को ईबीएल के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईबीएल को आप खुद समझना चाहते हैं या अपने किसी टीम मेंबर को समझाना चाहते हैं तो सिर्फ आप उनको ये एक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको ए टू जेड सारी समझ आ जाएगी और आपको अपने मेंबर्स पे बार बार टाइम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ईबीएल है क्या, इसका आगाज कहाँ से हुआ था, उसके बाद इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, ईबीएल में काम कैसे करते हैं, ईबीएल का इनकम प्लान क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको गाइड करूंगी कि ईबीएल में पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं, ईबीएल में नया मेंबर कैसे रजिस्टर करते हैं, पिन कोड कैसे मंगवाते हैं, कितनी इनकम मिलती है एक मेंबर के आने पे और किस तरह से इनकम मिलती है, और इसके अलावा आप लोगों को ईबीएल का लेवल चार्ट भी समझाऊंगी मैं कि लेवल कैसे अचीव करते हैं, एक लेवल के लिए कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, उस पर कौन सा इनाम मिलता है, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ईबीएल से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो ईबीएल में 15-15, 20-20 अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, तो इन अकाउंट्स का क्या फायदा होता है मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता है। ईबीएल एक पाकिस्तान की कंपनी है और 2016 से ये काम कर रही है। इसका हेड ऑफिस साहिबाल पाकपतन शरीफ में है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही काम कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं वो ईबीएल में काम नहीं कर सकते। ईबीएल के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, आप इन प्रोडक्ट को परचेज करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना चाहें तो 850 रुपए लगा के डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। एक ऑथेंटिक कंपनी है जो कि एफपीआर से रजिस्टर्ड है और इसके हर लीगल सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, और इसके अलावा गूगल पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ईबीएल काम करती है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि आगे टीम बनानी होती है, अपनी टीम में मेंबर्स को ऐड करने होते हैं। ईबीएल का जो प्लान है वो ये है कि आपने ईबीएल को ज्वाइन करना है 850 रुपया लगा के, उसके बाद फर्दर आपने 2 डायरेक्ट मेंबर्स को इनवाइट करना है ईबीएल को ज्वाइन करने के लिए, और वो जो 2 डायरेक्ट मेंबर्स होंगे वो फर्दर आगे 2-2 मेंबर्स को ऐड करते जाते हैं। इस तरह से आपकी टीम बनती जाती है और आपको डेली का ईबीएल से प्रॉफिट मिल रहा होता है। डेली का प्रॉफिट जैस कैश इजी पैसा में मिल रहा होता है, तो जो भी मेंबर ईबीएल को ज्वाइन करे उसके पास जैस कैश इजी पैसा का ऐप होना लाजमी है और उसका अकाउंट होना भी लाजमी है। ईबीएल का इनकम प्लान बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डेली का विड्रॉ मिल रहा है और यहाँ पे आप विड्रॉ की अमाउंट भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईबीएल को ज्वाइन किस तरह से करें? तो ईबीएल को ज्वाइन करने के लिए आपको किसी न किसी सीनियर की जरूरत पड़ती है जो कि आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करवा सके। तो जिस भी मेंबर ने ज्वाइन होना होता है वो 850 रुपए अपने सीनियर को सेंड करता है, वो आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करवाता है, उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाता है, उस लिंक से आप लोगों ने अपना ईबीएल का अकाउंट लॉगिन करना होता है। जैसे ही आपका ईबीएल में अकाउंट क्रिएट होता है आपके सीनियर की तरफ से आपको ईमेल और एक डिफॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 मिलता है, उससे आप लोगों ने अकाउंट को लॉगिन करना होता है। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपने करना होता है अपना ईबीएल अकाउंट का पासवर्ड चेंज। उसको चेंज करने के लिए आप लोगों को ये साइड पे एक आइकन नजर आ रहा होगा, आपने इस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये चेंज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आगे आपको अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इस तरह से यहाँ पे आपने अपना अकाउंट पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड लिखे, नीचे अपना न्यू पासवर्ड लिखे, कन्फर्म न्यू पासवर्ड करें और चेंज पे क्लिक कर दें, आपका ईमेल का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि ईबीएल में काम क्या करना होता है। नॉर्मली हम अपने लोगों को बताते हैं कि आपने इसमें मेंबर्स ऐड करने होते हैं, लेकिन उस चीज को कोई भी काम नहीं समझता। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ईबीएल में क्या काम होता है। उसके लिए मैं आप लोगों को अपने ट्री में लेके जाऊंगी और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से काम होता है। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान हम ओपन करते हैं तो उसके बाद पहला काम हम क्या करते हैं, पब्लिसिटी करना। हमारी जो कंपनी है, जो शॉप है, हमने उसको पब्लिसिटी करनी होती है कि मैक्सिमम लोग उसको जाने और हमारा बिजनेस ग्रो हो। नेटवर्क मार्केटिंग की बेस भी यही है, टीम बनाना। टीम बनाना ऑनलाइन बिजनेस में एक काम है।
जिसको हम कुछ भी नहीं समझते हैं। नॉर्मली लोगों को प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल लगता था। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को 4-5 हजार या 20-20 हजार की इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल लगता था। वो ऑनलाइन काम तो करना चाहते थे लेकिन उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी जिसके वो काम कर सके। इसीलिए EBL ने एक सिंपल सा प्लान बनाया। EBL के प्रोडक्ट भी है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी है। EBL में ऐड होके आपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना होता बल्कि इसमें डायरेक्ट ज्वाइन करके आगे मेंबर्स को ज्वाइन करवाना होता है। सिंपल अल्फाज में ये है कि आपने EBL की पब्लिसिटी करनी होती है। आप खुद यहाँ पे ज्वाइन हुए, उसके बाद आपने अपने 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, उसके बाद जो 2 मेंबर्स हैं वो फर्दर आके 2-2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाते जाते हैं और इस तरह से एक टीम बनती जाती है और आपको डेली का प्रॉफिट मिलता रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना एक काम होता है। फिर यहाँ पे हलाल और हराम के बारे में कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो हर वो काम जिसमें मेहनत की जाती है वो हलाल होता है। उसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना एक ट्रिकी काम होता है, एक हुनर होता है। हर बंदा टीम नहीं बना सकता। नॉर्मली लोग हमसे आके यही बातें पूछ रहे होते हैं कि हमसे टीम नहीं बन रही, मेंबर्स ऐड नहीं हो रहे, हम किस तरह से करें। तो ये बहुत मेहनत वाला काम है। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हराम नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है। आप लोग इसमें आए, काम करें, जिस तरह से आपको इनकम मिलेगी, इतनी मेहनत के बाद आपको इनकम मिलेगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये हलाल है या हराम है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि EBL में ज्वाइन होने के बाद क्या करना होता है। EBL में 850 रुपए लगा के आप अपना लाइफ टाइम के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जब चाहे उस पे आके काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि EBL में किस तरह से मेंबर को रजिस्टर करना होता है। अब मेंबर को रजिस्टर करने के लिए 2 काम होते हैं। सबसे पहले आपने पिन कोड मंगवाना होता है। नंबर 2, जब आपके पास पिन कोड आ जाता है तो उसके बाद आपने मेंबर की ज्वाइनिंग करवानी होती है। पहले हम देखेंगे कि पिन कोड किस तरह से मंगवाते हैं। पिन कोड मंगवाने के लिए डेली EBL की वेबसाइट पे 10-11 बजे नंबर अपलोड होता है जिसपे हमने इसी पैसा के थ्रू पेमेंट करनी होती है। तो वो नंबर हम कैसे देख सकते हैं, ये साइट पे आपके पास एक आइकन शो हो रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है पिन कोड रिक्वेस्ट, आपने पिन कोड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपसे आपका अकाउंट लॉगिन मांगा जाएगा, आपने इसको लॉगिन कर देना है। अब यहाँ पे ये नंबर शो हो रहे हैं, आपने इस नंबर पे इजी पैसा पेमेंट सेंड कर देनी है। पेमेंट सेंड करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपने पिन कोड रिक्वेस्ट भेजनी है, क्योंकि जब तक हम रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तब तक हमारे पास पिन कोड नहीं आएंगे। तो पेमेंट सेंड करने के बाद सबसे पहला काम आपने पिन कोड रिक्वेस्ट भेजनी होती है। उसके लिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आपने जिस अकाउंट नंबर से रकम भेजी है वो नंबर यहाँ पे लिखना होगा। वो आपका नंबर है तो आपने अपना नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जब हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आती है मैसेज के अंदर, वो आईडी आपने यहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद नीचे आपने लिख देनी है अमाउंट, कितनी अमाउंट आपने कंपनी को भेजी है। उसके बाद आपने सेंड नाउ पे क्लिक कर देना होता है। इस तरह से आपकी पिन कोड रिक्वेस्ट एंटर हो जाएगी और कुछ ही देर के बाद आपके अकाउंट में पिन कोड ऐड हो जाएंगे। अब जो पिन कोड आपने देखने हैं उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन नजर आ रहा है व्यू पिन कोड, इस पे जाके आप अपने पिन कोड को देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आप EBL में मेंबर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो पिन कोड हासिल करने के बाद आप लोगों ने ज्वाइन अ यूजर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने टोकन लिखना है। टोकन पिन कोड को ही कहते हैं। यहाँ पे आपने पिन कोड लिख देना है, जो भी आप 1234 आपका पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नए मेंबर का यहाँ पे आप नाम लिख देंगे। उसके बाद नए मेंबर का आप यहाँ पे ईमेल लिख देंगे। उसके बाद जो मेंबर है उसका यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद जिसके नीचे लगाना है, मतलब जो उसका सीनियर है, जो उसकी स्पॉन्सर है, आपने यहाँ पे उसका ईमेल लिख देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है लेफ्ट या राइट, क्योंकि EBL में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट। जिस साइड पे आपने लगाना है आप उसको क्लिक करते हैं और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके मेंबर का अकाउंट बन जाएगा। और देखने के लिए कि ज्वाइनिंग हुई है या नहीं, आपने ट्री व्यू के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जिस मेंबर के नीचे आपने मेंबर लगाया होगा वहां पे आप उसको देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मेंबर को EBL में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह से EBL में इनकम मिलती है और कितनी इनकम मिलती है। तो EBL में कम से कम विड्रॉ 500 रुपए है,
जैसे ही आपके अकाउंट में 500 रुपए होते हैं तो आपके इजी पैसा या जैस कैश अकाउंट में अगले दिन 9 बजे से पहले पहले अमाउंट ट्रांसफर हो जाती है। अब बात करते हैं कि कितनी इनकम मिलती है। EBL का प्लान बाइनरी प्लान है, मतलब इसमें आपको जोड़े बनाने पे इनकम मिलती है। एक आपकी लेफ्ट साइड होती है, एक आपकी राइट साइड होती है। जब ये लेफ्ट और राइट साइड का जोड़ा कंप्लीट होता है ना, तो आपके मेन अकाउंट में अर्निंग आ जाती है। पहले पेयर पे, मतलब पहले दो मेंबर्स पे आपको 300 रुपए की अर्निंग होती है। उसके बाद आपको हर पेयर पे 200 रुपए की अर्निंग होगी। एक मेंबर की 100 रुपए, दो मेंबर की 200 रुपया। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने एक मेंबर लगा दिया है लेकिन हमारे अकाउंट में अर्निंग नहीं शो हो रही है। तो डेयर, जब तक आप दूसरी तरफ मेंबर नहीं लगाएंगे ना, आपके मेन अकाउंट में अर्निंग शो नहीं होती है। आपको अर्निंग हो रही होती है लेकिन आपके मेन अकाउंट में तब शो होगी जब आपके नीचे जोड़ा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं EBL के लेवल्स के बारे में। EBL में टोटल 12 लेवल्स होते हैं जिनको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले 1 स्टार लेवल किस तरह से अचीव होता है। 1 स्टार लेवल को अचीव करने के लिए आपको आपकी लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड दोनों तरफ 10-10 मेंबर्स करने होते हैं। जब आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे 10-10 मेंबर्स हो जाते हैं तो आप 1 स्टार लेवल अचीव कर लेते हैं। और कंपनी की तरफ से आपको एक ई फाइल मिलती है जिसमें कंपनी के सारे ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं, जो कि न्यू मेंबर्स को ज्वाइन करवाने के लिए आपकी काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होंगे कंपनी के बारे में तो लोगों को आप इजीली दिखा सकेंगे और वो ट्रस्ट करके ज्वाइन भी करते हैं। उसके बाद आता है 2 स्टार लेवल। 2 स्टार लेवल के लिए आपको आपकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 30-30 मेंबर्स करने पड़ते हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में 30-30 मेंबर्स हो जाते हैं, कंपनी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है और प्रॉपर बताया होता है कि ये बंदा इस कंपनी में काम कर रहा है, एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे काम कर रहा है। और वो प्रूफ डिफरेंट लीगल और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स में वैलिड होता है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है जिससे पता चलता है कि इस बंदे ने नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हुआ है और इसको एक्सपीरियंस है काम करने का। उसके बाद है 3 स्टार लेवल। 3 स्टार लेवल के लिए आपकी लेफ्ट साइड पे और आपकी राइट साइड पे 100-100 मेंबर्स का होना जरूरी है। जैसे ही आपके लेफ्ट और राइट साइड पे 100-100 मेंबर्स होते हैं तो आप 3 स्टार लेवल को अचीव कर लेते हैं। और कंपनी की तरफ से आपको हेड ऑफिस का टूर दिया जाता है, आपको बकायदा वहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पे इनवाइट किया जाता है, आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एक VIP के तौर पे आप हेड ऑफिस में जाते हैं। उसके बाद है 4 स्टार लेवल। उसके लिए आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे 500-500 का मेंबर जरूरी है। जैसे ही आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे 500-500 मेंबर्स होते हैं, आप 4 स्टार लेवल अचीव कर लेते हैं और आपको 20,000 रुपए का कैश इनाम मिलता है EBL वालों की तरफ से। उसके बाद है 5 स्टार। उसके लिए आपके दोनों तरफ 1,000-1,000 मेंबर्स का होना जरूरी है और आपको 30,000 रुपए का कैश मिलता है। उसके बाद है 6 स्टार लेवल। उसके लिए आपकी लेफ्ट साइड और आपकी राइट साइड पे 25-2500 मेंबर्स का होना जरूरी है और आपको कंपनी की तरफ से 50,000 रुपए का कैश बोनस मिलता है। उसके बाद है 7 स्टार लेवल। 7 स्टार लेवल पे आपके लेफ्ट और राइट साइड पे 5,000-5,000 मेंबर्स का होना जरूरी होता है और आपको कंपनी की तरफ से 1,20,000 रुपए का इनाम मिलता है। उसके बाद है 8 स्टार लेवल। 8 स्टार लेवल में आपको दोनों तरफ 10-10,000 मेंबर्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही आपकी टीम में आपके लेफ्ट और राइट साइड पे 10-10,000 मेंबर्स हो जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से 2,50,000 रुपए का कैश इनाम मिलता है। उसके बाद है 9 स्टार लेवल। उसमें आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे 20,000-20,000 मेंबर्स ज्वाइन करवाने होते हैं। जैसे ही आपकी टीम में 20,000-20,000 मेंबर्स होते हैं, कंपनी की तरफ से आपको 5,00,000 रुपए का कैश प्राइस मिलता है। उसके बाद है 10 स्टार लेवल। उसमें आपको आपकी लेफ्ट और राइट साइड पे 30,000-30,000 मेंबर्स चाहिए होते हैं और कंपनी की तरफ से आपको 10,00,000 रुपए का कैश प्राइस मिलता है। उसके बाद है 11 स्टार लेवल, जिसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड पे 40,000-40,000 मेंबर्स लगाने पड़ते हैं और कंपनी की तरफ से आपको 15,00,000 रुपए का बोनस मिलता है। उसके बाद है 12 स्टार लेवल, जो कि टॉप रैंकिंग लेवल है। इसके बाद कोई लेवल नहीं है। इस लेवल के लिए आपको आपकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे 50,000-50,000 मेंबर्स चाहिए होते हैं
और कंपनी की तरफ से आपको 20 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलता है। अब ये लेवल्स आप लोग खुद अचीव नहीं करते हैं, बल्कि इसको बोलते हैं टीम वर्क और टीम की पावर। जो आपने नीचे टीम लगाई होती है वो टीम आगे आगे काम करती जाती है और आपको पता भी नहीं चलता आप लोगों के लेवल्स अचीव हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, कि टीम से आप अपने ख्वाब पूरे करवा सकते हैं। आप अपनी टीम को सपोर्ट करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टीम को सपोर्ट करते करते आप कितने ऊंचे लेवल तक पहुंच जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में खुद गर्जी नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को एक दूसरे के लिए काम करना पड़ता है। टीम काम करे अपने लीडर के लिए, लीडर काम करे अपनी टीम के लिए। जहाँ पे जो लीडर है वो सोचेगा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, वहीं पे उसकी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी और वो खुद भी नीचे आ जाएगा। जहाँ पे टीम सोचेगी कि हमारे लीडर को हमारा फायदा हो रहा है तो हम तो काम नहीं करेंगे, तो इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ टीम का है। क्योंकि जो लीडर है उसके पास तो अच्छी खासी टीम होती है, उसने तो काम करना ही करना होता है। वो आपकी जगह किसी और को ले जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपको कि आप अपने लीडर से जेलसी के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठे हैं, अपनी इनकम को डुबो बैठे हैं। साथ ही साथ आपके लीडर से फिर आपका एक रिश्ता भी खराब हो जाता है। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो अपनी टीम को सपोर्ट करें और उसके साथ ही साथ जो है वो अपने लीडर की बात को सुने, और आप लोग इसमें अच्छी खासी कामयाबी कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से EBL में मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो EBL में लोग एक अकाउंट बना के भी काम कर रहे हैं और 3 अकाउंट बना के भी काम कर रहे हैं और 7 अकाउंट बना के भी काम कर रहे हैं। अब इन अकाउंट्स का क्या फायदा होता है? बहुत से लोग EBL में 15-15, 20-20 अकाउंट पे भी काम कर रहे हैं। मैं खुद EBL में 4 अकाउंट पे काम कर रही हूँ, मेरे अपने 4 अकाउंट हैं। इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा मेन अकाउंट है, उसके बाद मैंने अपने ही नीचे अपने 2 अकाउंट लगाए हुए हैं, और अब जो मेरा मेन अकाउंट है इस पे मुझे काम नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ इस अकाउंट पे काम करती हूँ और इस अकाउंट पे काम करती हूँ। इसके नीचे मेंबर्स लगाती हूँ, इसके नीचे मेंबर्स लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि जब मेरे यहाँ पे कमीशन आता है तो वो कमीशन मेरे मेन अकाउंट में भी जाता है, और जब मेरे इस अकाउंट में कमीशन आता है तो वो मेरे इस अकाउंट में भी जाएगा। मतलब 3-3, 4-4 अकाउंट बना के आप EBL से डबल ट्रिपल प्रॉफिट ले सकते हैं। तो एज अ लीडर, एज अ वेलविशर, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी कि ज्यादा नहीं तो EBL में 3 अकाउंट बना के लाजमी काम करें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। उसके अलावा अगर आपने पेमेंट प्रूफ देखना है कि यहाँ से पेमेंट मिलती है या नहीं, तो ये आप लोगों के सामने लाइव मेरी पेमेंट खड़ी हुई है। इसी तरह से मुझे डेली अपने अकाउंट में कहीं 400 आ रहा है, कहीं 600 आ रहा है, कहीं 1000 रुपया बन जाता है, तो मैं यहाँ से अच्छी खासी इनकम ले रही हूँ। डेली के 2000, 3000, 4000 मेरे बन जाते हैं। तो EBL के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। EBL के बारे में मैंने तमाम पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी टीम को ज्वाइन करना हो तो सामने स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट EBL के बारे में ही बात किया करें। हेलो, हाय और इस तरह के मैसेज से परहेज किया करें।